दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार उद्यमी योजना के वेबसाइट को लेकर। वेबसाइट जो है अब नए तरीका से डिजाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब जो है उद्यमी योजना का जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस तरीका से अब यहाँ पर वेबसाइट जो है नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्योग विभाग बिहार सरकार, यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना। तो यहाँ पर इस तरीका से अब नया तरीका से अब डिजाइन जो है वेबसाइट इस तरीका से अब डिजाइन किया गया है। तो हम आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी को समझेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है, कहाँ कहाँ से आप अपना लॉगिन कहाँ से कर सकते हैं और अपना पंजीकरण कहाँ से कर सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी को समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी समझ में आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के वेबसाइट उद्योग विभाग बिहार सरकार। तो यहाँ से ये होम पेज का, यहाँ पर होम पेज का हटाने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से होम पेज पर आ सकते हैं और यहाँ पर हमारे बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे बारे में दिया गया है। और जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना MUY और यहाँ पर बिहार लघु उद्यमी योजना BLUY, मतलब बिहार लघु उद्यमी योजना। और यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज और यहाँ पर संसाधन दिया गया है। और यहाँ पर संपर्क करने के लिए यहाँ पर आपका जहाँ से आप संपर्क करना चाहते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना से, तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीका से दिया गया है। और यहाँ से लॉगिन पंजीकरण का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन पंजीकरण का ऑप्शन दिया गया। तो जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन पंजीकरण पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो तरीका से ऑप्शन आता है, एक MUY और ABLUY। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो गया ऊपर वाला और आपका बिहार लघु उद्यमी योजना। तो ये दो ऑप्शन इस तरीके से है यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। जैसे कि हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीका से यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीका से एरर बता दे रहा है, 502 बैड गेट अवे, इस तरीका से अभी जो एरर बता दे रहा है। तो ऐसे में एरर क्यों हो रहा है? तो अभी जो है वेबसाइट पर काम चल रहा है, वेबसाइट पर अभी जो है काम चल रहा है, क्योंकि अभी जो है नया तरीका से वेबसाइट जो है डिजाइन किया गया है। तो इसमें अभी जो है इस पर काम चल रहा है। तो इसमें आपका जो वेबसाइट है 2-3 घंटा भी टाइम लग सकता है या फिर 1 दिन भी टाइम लग सकता है इसका वेबसाइट को बढ़िया तरीका से स्मूथ चलने के लिए आपका जो है अभी ये, क्योंकि इस पर अभी काम चल रहा है। तो धीरे धीरे जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है वेबसाइट करने काम का जो नया तरीका से डिजाइन किया गया, तो जैसे जैसे काम ख़त्म होता है तो आपका वेबसाइट जो है स्मूथ चलने लगेगा, क्योंकि अभी जो है इस पर वेबसाइट पर अभी काम चल रहा है। तो धीरे धीरे आपका जैसे ही आपका सही होता है तो आपका ये वेबसाइट जो ओपन होने लगेगा। तो ऐसे में जब ओपन भी होता है तो आपका जब अपना लॉगिन करते हैं अपना आधार नंबर डालकर और अपना पासवर्ड को डालकर, तो वहाँ पर आपका आधार विफल बता देता है या फिर लॉगिन नहीं होता है, आधार जो लॉगिन नहीं होता या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने भी आपका जो आधार विफल बता देता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जो वेबसाइट पर काम चल रहा है इसी कारण से अभी जो है इस तरीका से एरर बता दे रहा है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे आपका जो है एरर सही हो जाएगा। क्योंकि कई लोग का ये बात कर रहे हैं कि अभी लॉगिन क्यों नहीं हो रहा, लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वेबसाइट जो है अलग तरीका से डिजाइन किया गया है, नया तरीका से डिजाइन किया गया है। तो अभी इस पर काम चल रहा है। तो धीरे धीरे जैसे ही आपका ये काम ख़त्म होता है वेबसाइट पर काम करने का, तो धीरे धीरे आपका सभी एरर जो है सही हो जाएगा, आप अपना लॉगिन भी ढंग से कर पाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा और आप जब लॉगिन करते हैं तो वो भी नए लॉगिन हो रहा है, क्योंकि अभी जो इस तरीका से एरर बता दे रहा है 502 बैड गेट अवे। तो आपको एरर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा या फिर 2-3 घंटा टाइम लग सकता है या फिर 1 दिन भी टाइम लग सकता है ये एरर ठीक होने में। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ लेते हैं, बाकी और बारे में यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण सूचना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नवीनतम अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर तारीख शीर्षक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विस्तृत चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ से आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। और यहाँ पर वित्तीय वर्ष 4/7/2024 को जो नोटिस जारी किया गया, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाकर्ता के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है दिनांक 1/7/24 को 11 बजे से 31/7/24 तक 5 बजे तक सायं तक खुला रहेगा। पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ सब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीका से
ईरर बता दे रहा है, तो अभी ये ईरर ठीक नहीं हुआ। जैसे ही आपका ईरर ठीक होता है तो आप अपना पंजीकरण भी कर पाएंगे, अपना लॉगिन करके आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। तो और बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं कि और कहाँ कहाँ से आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से एक विशेष जानकारी दिया गया है कि विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर ये है, आपका टोल फ्री नंबर ये है। प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वाह से 5 बजे अपराह्न तक अपना संपर्क किया जा सकता है। 10 बजे से 5 बजे पूर्वाह तक अपना संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है, आपको बिहार उद्यमी योजना के, तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है और नीचे यहाँ पर दिया गया है लिंक्स, बाकी यहाँ पर लिंक्स दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि आपका PMG लोन होता है, PMFEMI लोन होता है, MSME मार्ट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर और बारे में यहाँ पर पूरा जो है लिंक इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर योजना के बारे में बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या योजना डाउनलोड करें, तो यहाँ पर ये योजना है MMUI मतलब कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और PLUI बिहार लघु उद्यमी योजना। तो जैसे कि हम मुख्यमंत्री योजना की यहाँ पर डाउनलोड करने पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर योजना के बारे में इस तरीके से यहाँ पर खुल रहा था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाकर्ता आवेदन करने चयन की प्रक्रिया एवं योजना के संक्षिप्त विवरणी जो इस प्रकार से दिया गया है। बाकी ये इसमें कि पूरा परियोजना के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी, तो कौन कौन सा परियोजना कैटेगरी में आता है, कैटेगरी बी में आता है, कौन कौन सा परियोजना कैटेगरी सी में आता है, तो इसमें पूरा बताया गया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कि आपका प्रोसेस हो सकता है अपना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, बिहार लघु उद्यमी योजना का, तो इसमें पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताया गया। तो इस नोटिस को आप ध्यानपूर्वक से पढ़कर यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा बढ़िया तरीका से इसमें समझाया गया है पूरा कैटेगरी ए में कितना कितना परियोजना को मिलेगा, कितना कैटेगरी बी में मिलेगा, तो इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया। तो इस पर अगर अप्लाई करने से पहले इस नोटिस को अवश्य पढ़ लें, इस नोटिस में आपको पूरा ध्यानपूर्वक से आपको बताया गया है, तो इस नोटिस को आप ध्यानपूर्वक से जरूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले अपना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जो अप्लाई करने से पहले जरूर इस नोटिस को ध्यानपूर्वक से पढ़ लें। तो यहाँ पर इस तरीका से यहाँ पर इसका वेबसाइट जो है इस तरीके से नए तरीका से डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है उद्योग या बिहार सरकार लिंक, यहाँ पर देख सकते हो होम के बारे में सक्सेस स्टोरी, संपर्क करें हमारे साथ जुड़े, यहाँ पर दूरभाषा संख्या पर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ MUI लॉगिन बी डिपार्टमेंट ऑफ BLUI लॉगिन, यहाँ पर नीड हेल्प है, यहाँ पर BLUI, इस तरीके से पूरा इस तरीके से वेबसाइट जो है नए तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी ये वेबसाइट पर काम चल रहा है, तो धीरे धीरे ये सभी ईरर जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद होगा कि आपको ये वेबसाइट को लेकर सभी प्रकार की जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे अपडेट पाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जो है ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं।